हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यूट्यूब के वॉच आवर्स से रिलेटेड एक नए अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, YouTube यहां पर फिर से एक नया अपडेट लेकर आया है 4000 घंटे के वॉच टाइम से रिलेटेड। तो यहां पर गाइस, जो अपडेट लेकर आना YouTube को इसलिए पड़ा है क्योंकि जो लोग होते हैं YouTube पे, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने बेनिफिट के लिए यहां पर फ्रॉड करते हैं, ताकि वो लोग जल्दी जल्दी अपना 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर ले और उनके चैनल में कोई खास दम नहीं होता है। लेकिन वो लोग वहां पर थोड़े से फ्रॉड करते हैं और ऐसे में शॉर्टकट्स उन्होंने ढूंढ लिए हैं। तो ऐसे शॉर्टकट्स जब कोई भी ढूंढता है, तो ऐसे में यूट्यूब को नए नए अपडेट्स लेके आना पड़ता है, ताकि जो लोग प्रॉपरली यूट्यूब पे काम कर रहे हैं ना, उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में यूट्यूब फिर से एक अपडेट लेकर आया 4000 घंटे के वॉच टाइम रिलेटेड। तो यहां पर यूट्यूब ने 4000 घंटे का जो है वो 4000 घंटे ही रखा है, उसको बढ़ाया नहीं है। पिछले 365 दिन में आपको 4000 घंटे चाहिए और आपके चैनल पर टोटल सब्सक्राइबर 1000 होने चाहिए चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए। लेकिन यहां पर 4000 घंटे के वॉच टाइम में थोड़े से बदलाव जरूर किए गए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका जितना भी पब्लिक वीडियोज है उनके वॉच टाइम को काउंट किया जाता है, और वो 4000 घंटे, उससे 4000 घंटे आपके बनने चाहिए। आपके प्राइवेट अनलिस्टेड और डिलीटेड वीडियोस का वॉच टाइम काउंट नहीं होता है। वो मान लीजिए कि आपके शुरू में कोई वीडियो था जिसने बहुत ज्यादा व्यूज दे दिए, लेकिन उस वीडियो को आपने बाद में डिलीट कर दिया, तो उससे जितना भी वॉच टाइम आपको मिला वो वॉच टाइम भी चला जाएगा। ठीक है, हाँ, हो सकता है आपके एनालिटिक्स में वॉच टाइम रहे, लेकिन आपके मोनेटाइजेशन वाला जो पेज होता है वहां पर वो वॉच टाइम शो नहीं होता है। ठीक है, और जो प्राइवेट वीडियो है उनका भी काउंट नहीं होता, और अनलिस्टेड वीडियोस का भी यहाँ पे काउंट नहीं होता। और साथ में जो एड कैंपेन है, मतलब आप जो गूगल एड्स चलाते हैं या फिर आप फेसबुक एड, आप जो भी आप चलाओ, तो एड कैंपेन के थ्रू आपको जो भी वॉच टाइम मिला है वो सब कुछ यूट्यूब जो है वो मोनेटाइजेशन वाले पेज पे ऐड नहीं करता है। एनालिटिक्स में सब कुछ देखने को मिलेगा आपको, लेकिन आपको मोनेटाइजेशन वाले पेज पे वो ऐड नहीं मिल, जो वॉच टाइम है वो ऐड नहीं होता है। ठीक है, तो अब जो नया जो रूल लेकर आया यूट्यूब, उसमें क्या है कि जो स्टोरीज या फिर जो शॉर्ट्स के थ्रू आपको जो वॉच टाइम मिलता है वो भी अब आपके मोनेटाइजेशन वाले पेज पे ऐड नहीं होगा। तो गाइस, आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग टिकटॉक्स पे थे, जो उन लोगों के लिए ये जो स्टोरीज है और जो शॉर्ट्स है, उन लोगों के लिए बहुत इजी काम हो जाता है। ये मतलब वहां से व्यूज लाना उनके लिए बहुत इजी काम होता है। ठीक है, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो 30 सेकंड के ऊपर चलता नहीं है। ठीक है, तो 30 सेकंड के ऊपर जिन लोगों का दिमाग नहीं चलता, उनके लिए जो स्टोरीज और शॉर्ट्स जो वीडियो होते हैं वो काफी सही रहते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि अगर वो स्टोरीज के थ्रू या फिर शॉर्ट्स के थ्रू अपने चैनल पे भेज पाए, तो ऐसे उनका वॉच टाइम इजिली बढ़ जाएगा। तो आपको जैसे कि पता ही होगा, स्टोरी के अंदर ये फीचर होता है कि आप अपने किसी वीडियो को वहां पर रख सकते हैं और उसके थ्रू जो वॉच टाइम है आपको मिल सकता है। उस वीडियो पे क्लिक करके अगर आपको कोई उस वीडियो को पूरा देखता है तो आपको उसका वॉच टाइम पहले मिल जाता है, लेकिन अब यूट्यूब ने उसको बंद कर दिया। तो क्योंकि शॉर्ट्स के थ्रू जो वीडियोस में जाते हैं वो वॉच टाइम, या फिर स्टोरीज के थ्रू जो वीडियोस में जाते हैं वो वॉच टाइम, अब यूट्यूब काउंट नहीं करना चाहता मोनेटाइजेशन में। क्योंकि यहां पर जो टिकटॉक की तरफ से जो लोग आए हैं वो यूट्यूब में इस तरीके के शॉर्ट्स ज्यादा डाल रहे हैं और जो स्टोरीज है वो ज्यादा डाल रहे हैं, तो उनको उस चीज में कोई कमी नहीं आने दे रहे। उसमें उनको अच्छा खासा रीच मिलता है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसके थ्रू वो अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करवा सकते। चैनल को मोनेटाइज करवाना है तो आपको यूट्यूब के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा, जो कि है सर्च ब्राउज फीचर, सजेस्टेड वीडियोस और एक्सटर्नल जो व्यूज आते हैं उस पर आपको बेस चलना पड़ेगा, ना कि आपको शॉर्ट्स और स्टोरीज के थ्रू जो रीच, एक्स्ट्रा रीच मिलती है, आप उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि सब्सक्राइबर्स अभी मिलेंगे उसके थ्रू जो वीडियो लोग देखते हैं, और उसके थ्रू अगर सब्सक्राइब कोई करता है तो सब्सक्राइबर्स अभी भी मिलेंगे, लेकिन वहां से आने वाला कोई वॉच टाइम अब काउंट नहीं होगा। ठीक है, देखो, शॉर्ट्स का वॉच टाइम या फिर स्टोरीज के वॉच टाइम तो कैसे नहीं आता है, आपको समझना ये है कि जो स्टोरीज के अंदर हम अपना वीडियो लगा सकते हैं। ठीक है, अगर उस वीडियो पे कोई क्लिक करता है, पहले वो वॉच लेटर में चला जाता था, अब वो डायरेक्टली आप उस वीडियो भेज सकते हो, तो वो वाला जो वॉच टाइम है वो काउंट नहीं होगा। बाकी स्टोरीज का वॉच टाइम तो वैसे भी काउंट नहीं होता है, और तो ऐसे में आपको सिर्फ वहां पर जो वीडियो लगाते हैं उसके थ्रू कोई भी अगर एंटर होता है तो आपके एनालिटिक्स में वॉच टाइम काउंट होगा, लेकिन मोनेटाइजेशन वाले पेज पे वो वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ पहले से चलता रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो जो 4000 घंटे का वॉच टाइम आपको चाहिए होता है मोनेटाइजेशन से पहले, वो चीज में आपका वो वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। तो गाइस, ये एक नया अपडेट है यूट्यूब लेकर आया। हालांकि मुझे इस अपडेट के, मतलब ऐसा नहीं लगता कि इस अपडेट से बहुत बहुत बड़ा कोई चेंज आया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है,
कहीं ना कहीं जो लोग इस तरीके से अपना रीच बढ़ा रहे हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोक रहे हैं, क्योंकि जो स्टोरीज वगैरह होते हैं उनके अंदर कोई खास दम होता नहीं है। तो ऐसे में वहां के थ्रू जो लोग वॉच टाइम लेते हैं तो उनको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश हो रही है यूट्यूब की तरफ से। हालांकि उनकी रीच में कोई भी कमी नहीं रहेगी, सब कुछ बढ़िया चलता रहेगा, लेकिन वहां से जो वॉच टाइम मिलेगा वो काउंट नहीं होगा। तो गाइस यही अपडेट था। हालांकि इससे YouTube क्या चाहता है ये तो मुझे ठीक से क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस रीच का फायदा जो लोग जिनको नहीं मिलता, मतलब जिन लोगों को जो शॉर्ट्स नहीं मिलते या फिर जिन लोगों को स्टोरीज नहीं मिलते, क्योंकि जो टिकटॉक से जो लोग आए हैं उनको स्टोरीज टाइम मिलने बहुत ईजी, क्योंकि उनका एक ही दिन में 10,000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और जो सिर्फ वॉच टाइम का केस रह जाता है खाली, तो उन लोगों के लिए वॉच टाइम कंप्लीट करना बहुत आसान हो गया है। और जो नॉर्मल यूट्यूबर्स जो यूट्यूब से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें स्टोरी टाइम मिलने में काफी टाइम लग जाता है। तो ऐसे में यार इस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये नया रूल लेकर आया गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार ठीक ही है, कहीं ना कहीं मुझे ठीक ही लगता है, क्योंकि जो एकदम जो स्टार्टर्स होते हैं यूट्यूब पे उन लोगों को नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है। बाकी जो नए नए टिकटॉक से जो लोग आए हैं उनको तो 1 या 2 दिन में उनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा इस तरीके से, अगर मिलता है उनको वॉच टाइम तो। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब जो टिकटॉकर से वो तो 30 सेकंड के वीडियो बनाए, 30 सेकंड के वीडियो बना के कोई 4,000 घंटे का वॉच टाइम तो कंप्लीट कर नहीं सकता, ठीक है। स्टोरीज या शॉर्ट्स का वॉच टाइम वैसे भी काउंट नहीं होगा। तो इनके पास एक ही ऑप्शन था कि एक बड़ा वीडियो बनाए और अपने चैनल पर डाले और स्टोरीज या शॉर्ट्स के थ्रू उनको वहां पर भेजे और उनका चैनल इजिली मोनिटाइज करवा दे, तो वो चीज अब बंद कर दी है। तो अब जो नए यूट्यूबर्स है, जो लोग नए जो नए नए आए हैं यूट्यूब पे, उनके साथ इनको स्ट्रगल करते करते ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये एक रीजन हो सकता है। बाकी हालांकि आपको ये अपडेट कैसा लगा ये मुझे आपको कमेंट में जरूर बताया। बाकी यार गाइस कोई हेट फॉलो यहाँ पर मैं स्प्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हेड स्प्रेड करने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो चीजें चलती रहेगी वो तो चलती रहनी है। तो यहाँ पे मैं कोई हेड स्प्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो मुझे ये अपडेट काफी अच्छा लगा यार, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ तो इस वजह से मुझे ये अपडेट काफी अच्छा लगा है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको भी अपडेट अच्छा लगा होगा, और अगर नहीं लगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता दें एक बार कि आपको कैसा लगा इस अपडेट, और बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।